आहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस सप्ताह की हम बड़ी बड़ी खबरों की बात करें, बड़े बड़े घटनाक्रम की बात करें, तो सबसे बड़ा घटनाक्रम तो ये रहा कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद लगातार सरगर्मी का जो माहौल था वो बनता रहा। यहाँ पर कई बड़े अधिकारी जिनका विशेष कार्यकाल रहा, उनकी सेवानिवृत्ति भी हुई, सेवा विस्तार की उम्मीद थी पर सेवा विस्तार नहीं किया गया। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था वो ये था कि शिवपाल सिंह यादव जो प्रसपा के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए यदुकुल पुनः जागरण मिशन की शुरुआत की। और निश्चित रूप से जब यदुकुल पुनः जागरण मिशन की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यादव खेमे को अपने पक्ष में करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो अगला मुद्दा है वो अहम ये भी है कि शिवपाल सिंह यादव ने कल एक बड़ी जानकारी दी थी, बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में हम सपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, और दलों के लिए रास्ते खोले पर सपा के साथ अब प्रसपा गठबंधन नहीं करेगी। और पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे कार्यकाल में सक्रिय हैं, और इस कार्यकाल में उन्होंने एक बड़ी फैसला लेते हुए उन्होंने एक निर्देश दिए हैं कि NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली क्षेत्र, जिसमें 14 जिले आते हैं दिल्ली के आसपास के, और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी, उसी की तर्ज पर SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें लखनऊ के आसपास के 7 जिले, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात और बाराबंकी, 7 जिलों को यहाँ पर मिलाकर SCR यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा, और इस कैपिटल रीजन का सुनियोजित विकास किया जाएगा। यानी जैसा NCR का विकास किया गया वैसा ही विकास इन जिलों में भी होगा, एक योजना के तहत, एक मिशन के तहत, और लगातार SCR को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जैसा NCR दिल्ली क्षेत्र का वैसे ही लखनऊ क्षेत्र का SCR। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, पर जब भी विकास की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में हमेशा से राजनीति गर्म हो जाती है और विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो जाता है। अगर मदरसों का सर्वे कराते तब भी दिक्कत आती है, और अगर हम SCR बनाते तब भी दिक्कत आती है। विकास से, कायापलट से यहाँ पर दर्द क्यों, परेशानी क्यों, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास अब विकास के नाम पर कुछ बताने को नहीं बचा है। नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, प्रदेश के लोगों की आय घट चुकी है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नकल कर रहे हैं, कभी नाम बदलने की बात करते हैं, अब NCR के नाम पर SCR बना रहे हैं। ये बताइए कि स्मार्ट सिटी कहाँ है? नमामि गंगे के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोलते? उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं का राज हो गया उस पर क्यों नहीं बोलते? प्रदेश का जनमानस जानता है भाजपा सरकार अब हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए अब इनके बस का कुछ भी नहीं। वाराणसी में क्योटो बनने की अपार सफलता के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का एक नया शगुफा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है, लखनऊ को NCR बनाने का। समाजवादी पार्टी ये सवाल करती है कि मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के बाद लखनऊ ना इकोनॉमिक हब के मामले में एक कोई इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास लगी, लखनऊ में ना कोई इकोनॉमिक सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लखनऊ में ना ही कोई IT हब का कोई नया वेंचर ने यहाँ कदम रखा। सवाल ये है कि 2017 के बाद जब आप पूरे लखनऊ में चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जब आप नहीं कर पाए, ये NCR बनने का शगुफा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा वाराणसी क्योटो बन चुका है। कि जो योगी सरकार है वो केवल भुलावे की राजनीति कर रही है और इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए नए नए सिगूफे और नई नई यहाँ पर बातें कर रही है। पर निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कायापलट होना चाहता है और अगर किसी चीज़ की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, अगर NCR की तर्ज पर ही SCR विकसित किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर फायदा आम जनता को होगा। और अगर हम आम जनता की बात करते हैं, आम जनता के लिए काम करने की बात कहते हैं, फिर आम जनता के लिए अगर कुछ बेहतर होता है फिर दर्द क्यों होता है? यही मुद्दा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में
सत्यजी अटवारा जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक भाई अपना पत्र रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो जो पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो प्रवक्ता भाजपा से रहेगा। बेग भाई, कल मदरसों का सर्वे हो रहा था कि बात कही गई थी 5 अक्टूबर सर्वे करना, 25 अक्टूबर रिपोर्ट तलब की गई है। इसके बाद अब SCR बनाने की बात की कही जा रही है और निश्चित रूप से जब SCR बनेगा तो यहाँ विकास का जो ढांचा है वो निश्चित मजबूत होगा, जनता को फायदा होगा। पर विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप दौर फिर शुरू हो गए, क्या दर्द है भैया आप बताइए। देखिए, विपक्ष को उस हर चीज से दर्द है जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और जनता के लिए करेगी जी। विपक्ष भाजपा विरोध करते करते जनता और विकास का विरोध शुरू कर चुका है जी, और ये तमाम मौकों पर देखने में आता है। अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सुना जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत बेबाकी से कह रहे थे कि लखनऊ के अगल बगल कोई एक इंडस्ट्री लगी हो तो बता दे जी। अब मैं उनको क्या जवाब दूं जी, लखनऊ के अगल बगल आप हरदोई रोड पे चले जाए, यहीं बबलिंग स्काट की इंडस्ट्री लग के प्रोडक्शन चालू हो चुका है, अमेठी में चालू हो चुका है, 47 बन रही है, कितनी दूरी है लखनऊ से जी। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी NCR की तर्ज पे SCR योजना ले आ रहे हैं जी, आमतौर पे आपने देखा होगा कि तमाम अगल बगल के जिले जी के लोग यहाँ आते हैं, नौकरी करते हैं। आप देख रहे हैं कानपुर से मेमू ट्रेन चलती है लखनऊ के लिए जी, तमाम हमने इलेक्ट्रिक सिटी बसें चला रखी हैं जी, और इसी तरह बाराबंकी का हाल है कि आप लखनऊ सफेदाबाद कब क्रॉस करके कब बाराबंकी सीमा में आप घुस जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब लखनऊ खत्म हुआ कब बाराबंकी आ गया। तो जो जिस तरह से लखनऊ का विस्तार हो रहा है, अगल बगल के जिलों को लखनऊ लपेटता जा रहा है जी, ऐसे में इस तरह की योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जी। आपने देखा होगा एक ज़माने में जब शहीद पथ बना था जी, तो लोग कहते थे अरे यहाँ कौन जाएगा, यहाँ कौन जाएगा जी, और सन्नाटा भी रहता था शहीद पथ पे। धीरे 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 ये हुआ कि आज लखनऊ के अंदर के जितने अच्छे ऑफिसेस थे, जितने अच्छे ब्रांड की दुकानें थी, शोरूम थे, इनकी माल वगैरह भी आज शहीद पथ पे चले गए जी। और अंचल के बारे में भी मैं कहूँगा कि जो सुशांत गोल्फ सिटी है जी, यूपी की सबसे हाईटेक गोल्फ सिटी है जी, बिल्कुल। बाकी विषय दूसरे है, अलग हैं जी, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, उसके रहन सहन में कहीं कोई कमी नहीं जी, है बिल्कुल। तो जितने ब्रांडेड चीज़ें वहाँ, जितने ऑफिसेज वहाँ गए जी, आज पूरा आपको लखनऊ दिखाई पड़ जाता है शहीद पथ के जी, बिल्कुल किनारे जी। इसी तरह से जो किसान पथ बन रहा है लखनऊ के चारों तरफ, स्कोरिंग रोड कह लीजिए, लखनऊ का कुछ भी कह लीजिए, उस पर भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में पूरा लखनऊ उस किसान पथ के इर्द गिर्द गति पाता दिखेगा। और इसी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी ने जो SCR की घोषणा की, जब वो एरिया लखनऊ में जुड़ करके उनका डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोगों को की अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ बनेंगी और वहाँ के लोगों के इजी अप्रोच होंगे लखनऊ के लिए, यहाँ से सिटी बसें चलेंगी, तमाम वहाँ और ऑफिसेज आएंगे, तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इसमें रोज़गार भी मिलेगा, विकास भी होगा और यहाँ के अगल बगल के लोगों का रहन सहन जीवन स्तर भी ऊपर उठेगा। मुझे नहीं लगता कि इस योजना का किसी को विरोध करने की आवश्यकता है, सबको इस योजना का विकास का स्वागत करना चाहिए। तारिक भाई, समाज पार्टी से हमारे जुड़े हुए, तारिक भाई क्या लगता है भाई, SCR बनने जा रहा है और NCR की तरफ पे यहाँ पर विकास होगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और निश्चित रूप से जनता को यहाँ लाभ मिलेगा, और जब जनता का लाभ मिलता है फिर तो विपक्ष को यहाँ पर कोई दर्द नहीं होना चाहिए, फिर दर्द क्या? देखिए गौरव भाई, देखिए ऐसा है, मैं दिल्ली रहा हूँ अच्छा खासा टाइम, 4-5 साल रहा हूँ जी। देखिए NCR बनाने का कॉन्सेप्ट वजह ये थी जी कि दिल्ली के आसपास कई स्टेटों के डिस्ट्रिक्ट आ रहे जी, हर स्टेट का अलग अलग अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट का तरीका है जी, उसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, उत्तर प्रदेश भी है जी, जी। इस लिहाज से कैपिटल रीजन को डेवलप किया गया था जी, ताकि जो डेवलपमेंट है वो तेजी से हो जाए, जिसका फायदा भी बहुत मिला। NCR की वजह से दिल्ली का बहुत डेवलपमेंट हुआ, और जो मैं नेशनल कैपिटल एक तरीके से जानी जाने लगी, वो NCR के लिए जाने जाने। अब क्या रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश में जी,
क्या हिंदुस्तान में इस तरीके का स्टेट कैपिटल रीजन का प्राविधान कहीं चल रहा है जी? क्या इस चीज की जरूरत है या कहीं और ध्यान देने की जरूरत? मेरा सवाल ये, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, मेट्रो का एक्सपेंशन होगा, आप स्टेट कैपिटल रीजन बनाइए, सबको मेट्रो से जोड़ दीजिए। मैं दावा करता हूं कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव उसका स्वागत करेंगे, सबको जोड़ दीजिए आप समाजवादी मेट्रो से। आपने कानपुर देहात तक की बात की है, 110-120 किलोमीटर का मामला है जी, जोड़ दीजिए, दिक्कत नहीं है जब आप डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन एक और मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपके लिए अच्छा टॉपिक है जी, और बाकी लोग भी जाएं उस पर रिसर्च करें जी। एक कॉन्सेप्ट है SEZ जी, उसको कहते हैं गौरव भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जी जी। उत्तर प्रदेश में जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो नोएडा में है, उसके बाद एक मुरादाबाद में, एक कानपुर में जी। मैं कह रहा हूँ ये बनाने के बजाय SEZ क्यों नहीं बनाते हैं जी? SEZ में क्या होता है, स्पेशल प्राविधान होते हैं कंपनियों के लिए, और वो वहां आती है, जगह दे दिया जाता है, वो अपना काम करती है, उसमें टैक्सेस और तमाम किस्म के बेनिफिट है, बहुत बड़ा मसला है जी। उत्तर प्रदेश में 30 SEZ है जिसमें से 29 नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जी। इधर एक भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ये जो आप स्टेट कैपिटल रीजन बनाने जा रहे हैं, इसकी बजाय आप SEZ क्यों नहीं बना रहे, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहीं बढ़े। यही लखनऊ में बनाइए, उत्तर प्रदेश बहुत चढ़ा है, उसी के लिए बना रहे हैं भाई, करके कहीं और बना लीजिए, वो तो उसी विकास के लिए तैयारी कर रहा हूं भाई। नहीं वो यहाँ वो SEZ बनाने के लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, पहले SEZ बना लीजिए तब इन डिस्ट्रिक्ट को जोड़िए, बात समझिए गौरव भाई जी। विपक्ष का काम सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं है, सुझाव देना भी है, पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लीजिए, फिर स्टेट कैपिटल रीजन के तर्ज पर इनको जोड़ लीजिए। आपको डेवलपमेंट में कोई दिक्कत है क्या? क्या कानपुर जिला पंचायत आपको रोक रहे है क्या? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के आगे कानपुर जिला पंचायत, कानपुर नगर निगम की इतनी औकात है क्या कि वो मना करेगा कि ये काम नहीं करना है जी। सब कुछ आपके हाथ में है। NCR इसलिए बनाया गया था कि डिफरेंट स्टेट थे, यहाँ तो स्टेट ही एक है जी। अब ये यही बात हुई। एक और बात कह दूं, लास्ट बात, मायावती ने कहा था कि स्टेटों का विभाजन कर दो उत्तर प्रदेश का, याद है आपको गौरव भाई? बिल्कुल याद है जी, बिल्कुल याद है। विधानसभा में पारित कर दिया था कि जाओ बांट दो उत्तर प्रदेश को, बेवजह का काम था, कोई जरूरत नहीं है जी। ये वही बेवजह की मैं कह रहा हूं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, डिफरेंट स्टेट नहीं है, आपको मेट्रो बढ़ाना है, अरे भाई पहले बढ़ाओ BBD तक तो ले जाओ भैया। गौरव भाई बादशाह नगर पे खत्म है जी, बिल्कुल ले चलो पॉलिटेक्निक से आगे ले चलो, BBD बच्चे जाने तो लगे, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाओ, तब स्टेट का जो रीजन है वो भी बढ़ाइए, हम साथ हैं उसके, कोई कुछ कह रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो सीधी सी बात है, तर्क संगत बात है कि आप पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो, फिर उनको उस तर्ज पर जोड़ो। और इतना ज्यादा आपके पास दिल्ली में क्या था भाई कि अगल बगल नदियां हैं, जगह कम थी, इसलिए ये डेवलपमेंट जरूरी था जी। जो समय की डिमांड थी, क्या अभी समय की डिमांड है तो आप करिए, डेवलप करिए। बहुत पुराना मामला है, 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। खैर हमारे साथ पुराना मामला है, लेकिन गौरव भाई वो डिफरेंट स्टेट पढ़ रहे थे, तीन स्टेटों को साथ में जोड़ना था। ठीक है जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रवक्ता प्रस्पा के रूप में अतवारा जी मौजूद है। अतवारा जी, कल मदरसों की चर्चा हुई, उसके पहले यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत हुई, प्रस्पा प्रमुख सतपाल सिंह यादव यादव, और आज SCR बनने पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, क्या सोचते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पहले तो हम यदुकुल पुनर्जागरण पर बोल दें, वो आवश्यक था, आवश्यक इसलिए था कि वो इकाई थी। अच्छा। और जब तक इकाई दुरुस्त नहीं होती है तब तक दहाई नहीं बनती है जी। तो दहाई बनाने के लिए इकाई को पहले दुरुस्त करना पड़ता है। ठीक है। जब जाति समाज अपना वर्ग जुड़ जाता है तो सर्व समाज की बात होती है जी। मैं तो कहता हूँ अपने अपने जात अपने अपने समाज को लोग जोड़ ले, सर्व समाज अपने आप दुरुस्त हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है जी। अब रही बात ये जो है कि राज्य राजधानी क्षेत्र की बात आ जाती है जी। मुझे नहीं लगता है कि लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी और कानपुर देहात या कानपुर नगर को जोड़ने से कोई दिक्कत है जी। कानपुर की जहां तक बात आती है जी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुरानी औद्योगिक क्षेत्र अगर कोई माना जाता था जी, तो कानपुर माना जी, बिल्कुल। कानपुर को अगर हम जोड़ देते हैं, कानपुर तो महानगरी है जी, कानपुर तो आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से भी नहीं, हमें लगता है कि उसका इतिहास बहुत पुराना है जी।
और इतने पुराने इतिहास को अगर हम लखनऊ से जोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है। सीतापुर जैसे क्षेत्र को जो पिछड़ा क्षेत्र है उन्नाव लखनऊ रायबरेली से अगर जोड़ दिया जा रहा है तो क्या दिक्कत है। एक सर्किल बनाया जा रहा है और उस सर्किल को बनाए जाने से किसी को क्यों दिक्कत होती है ये समझ नहीं आता है। देखिए एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे 28,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जोड़ रहे हैं जिसमें 2,52,00,000 आबादी रहती है। जी बिल्कुल। और 2,52,00,000 की आबादी का मतलब गौरव जी समझते हैं आप अच्छी तरीके से, इसराइल की आबादी पूरे देश की 90,00,000 है जी, नेपाल की 2,91,00,000 है जी। मतलब जितना हमारा ये सर्किल जुड़ेगा उतनी आबादी नेपाल की है जी, श्रीलंका की इससे भी कम है, 2,19,00,000 श्रीलंका की आबादी है जी, और भूटान की तो 7,00,000 की आबादी जी बिल्कुल। ताइवान अभी अभी ताइवान का युद्ध चीन और ताइवान का मामला चल रहा है, पूरे ताइवान देश की आबादी 3,36,00,000 है जी, और उत्तर कोरिया जैसे मजबूत देश की बात बता रहा हूँ 2,58,00,000 है जी, और हम जोड़ कितने को रहे हैं पूरे देश को जोड़ रहे हैं 2,52,00,000 को जोड़ रहे हैं जी। तो इसमें दिक्कत क्या है। हम कहते हैं कि इतने बड़े आबादी को जिलों में जनसंख्या का दबाव बहुत है जी, और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है जी, और जिलों में अगर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है तो उस दबाव को सुनियोजित तरीके से अगर दुरुस्त कर दिया जाए दिक्कत क्या है। तो सपा वालों क्या कहेंगे। गौरव जी एक बात कहूंगा जी, गौरव जी एक बात में सिर्फ कहूंगा जी, सरकार की हर मंशा का विरोध जी विपक्ष अगर करेगा तो जनता के नजरों से उतर जाएगा। अच्छा। सरकार के जो भी कदम अच्छे ना हो जी उसका विरोध विपक्ष को करना चाहिए, हम भी विपक्ष में हैं जी, लेकिन हर मुद्दे को विपक्ष ले ले जी और उसका विरोध करना शुरू कर दे जी, तो 24 करोड़ की आबादी के लिए अच्छा नहीं, तो प्रस्ताव देश की भलाई के लिए अच्छा नहीं। अतवारा जी स्वागत करते हैं प्रस्ताव का। देखिए हम हर उस चीज का स्वागत करते हैं जिससे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी का भला हो। अच्छा। हम हर उस चीज का समर्थन सहयोग करेंगे जिससे आम जनमानस को राहत मिले जी, लोगों को राहत मिले जी, लोगों का विकास हो जी, और लोग आगे बढ़े जी, रोजी रोजगार की समस्या दूर हो जी, हम हर उस समस्या को जो है उसका स्वागत करेंगे गौरव जी। ठीक है हमारे साथ आम आदमी पार्टी गौरव जी, मैं दूसरे चैनल पर बैठता हूं, मुझे इजाजत आप दें जी। बहुत धन्यवाद आपका अतवारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। हमारे साथ प्रवक्ता आप हमारी पार्टी ग्रुप में सैयद मोहम्मद तकी जी मौजूद है। तकी भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है एनसीआर की तर्ज पर एससीआर, आम आदमी पार्टी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में, स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे जैसे अन्य पार्टियां कर रही हैं। देखिए मैं ना स्वागत करता हूँ ना विरोध करता हूँ, मैं अपनी एक न्यूट्रल राय देना चाहता हूँ जी। सरकार अगर सोच रही है तो सरकार को सोचने का अधिकार है क्योंकि बहुमत में सरकार इस वक्त है जी, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने लखनऊ 75 जिले तो छोड़ दिया आप उत्तर प्रदेश के, लखनऊ को क्या विकास कर दिया आपने जी। जो आपने कहा था 100 दिन में प्रदेश गड्ढे मुक्त कर देंगे, क्या 100 दिन के अंदर लखनऊ जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, क्या वो गड्ढा मुक्त हो गया जी। क्या लखनऊ में 24 घंटे लाइट आती है जी। क्या लखनऊ में सबको पानी मिल गया जी। 75 जिले तो बहुत बड़ी बात है जी। तो ये बात ये कि आज हम की तारीख में लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं दे पा रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, आए दिन यहाँ चेन स्नैचिंग घटनाएं हो रही है, आप देख रहे हैं रिपोर्ट निकलती पेपर। वो कानून का मुद्दा भाई, तहीर भाई, कानून व्यवस्था बहुत खराब मुद्दा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो बेसिक चीजें हैं उनको सही कर लें, उसके बाद हम चांद की बात रखें। पहला कदम रखे नहीं है सही, हम चाहेंगे हम चांद पर पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, जो स्टेट कैपिटल रीजन की आप बात कर रहे हैं, अभी हमारे तारिक खान साहब ने कहा कि जो लखनऊ मेट्रो चल रही है उसको आपने पूरा नहीं किया, आपने एक फेज में मेट्रो बनाई, दूसरी फेज की मेट्रो बनाई नहीं, जबकि मेट्रो को 2-3 फेज में बनना था, आपने प्रोजेक्ट को रोक दिया जी। आपने जो है रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट था उसको रोक दिया, कहने लगे वो बस में घोटाला हो गया है जी। खुद आप लेके 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट जो है 500 करोड़ के आसपास था, उसमें आपने घोटाला है, अब कह रहे हैं कि हम गुजरात के तर्ज पे वो साबरमती की तर्ज पे उस रिवर फ्रंट बनाएंगे, वो भी नहीं पूरा हुआ। तो ये कि हम ख्वाब तो बड़े अच्छे से देख रहे हैं, अच्छी बात है चांद पे जाने का, आज यान मस्क भी कहते हैं कि हम मंगल ग्रह के ऊपर जीवन लोगों को बसा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक एनिमिटीज है, जो बेसिक काम वो तो किया आपने। एक शहर, एक जिला लखनऊ जिसका नाम जो कैपिटल है, वहां वो बेसिक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आपने कहा भाई हम वाराणसी को कोटे बना देंगे, वहां आज ही बारिश होती है पानी सड़कों में नजर आता है, लखनऊ शहर के अंदर 1 घंटा बारिश हो जाती है, अब रोज देखती है जाम लगता है जाम लगता है, मेरी समझ नहीं आता है बारिश का जाम से क्या मतलब है, क्या बादल आके गाड़ियां रोक देते हैं ऊपर, क्या बारिश होती जाम को ले जाता है, क्यों लोगों को 2-2 घंटे यहाँ भीगना पड़ता है। मुख्यमंत्री आवास के सामने आपने देखा था वीडियो वायरल हो गई थी, पानी भर गया था, बच्चे जो है वो जूते हाथ में लेके उसको क्रॉस कर रहे थे जी। तो ये हाल तो सामने है, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो एनसीआर का आप जो समर्थन नहीं करेंगे। एनसीआर समर्थन करने की बात नहीं है, हम तो आप पूरे उत्तर प्रदेश को जापान बना दिए,
आपके पास तारे आप चलिए आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कम से कम क्या दिक्कत है अगर कॉन्सेप्ट लेके आए कि मंगल ग्रह के ऊपर पृथ्वी बसाना है हम और बता रहे हैं बड़ा अच्छा है ये कॉन्सेप्ट में कुछ यहां तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप कैसरबाग आइए तारिक भाई कैसरबाग लेके ले इनको लाए थे जी बता रहे थे कि अब गुड्स जो है वो नदियों के थ्रू जो हमारी नदियां हैं स्टेट में उसके थ्रू जाएगा क्या हुआ साहब जी नितिन गडकरी साहब लाए थे नदियों जोड़ने के लिए हां तो क्या हुआ नदियों पानी नहीं है चलेंगे शिप कैसे अरे कहाँ पानी नहीं कैसी आप लोग बात कर रहे हैं बाढ़ आ रही है अरे इतना बाढ़ आई है कैसी बात कर रहे हैं तकी भाई घटनाक्रम देखिए बाढ़ आई है पानी पानी है इसके अलावा पानी नहीं होता भाई उस पे भी पिकने चल रहे बेबी भाई बताएंगे बेबी भाई भाई गौरव भाई बाढ़ आती है तो आईएएस अधिकारी लोग खुश हो जाते हैं अच्छा चांदी आ गई अरे भाई अभी तो उनका चले जवाब फिलहाल जवाब देने के बेबी भाई तैयार है बेबी भाई जवाब दीजिए देखिए गौरव जी जी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक भाई कुछ इस तरह से कह रहे हैं जी कि पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी इनका कहना है कि ऐसी जिट पहले बनाइए जोड़ने काम बाद में कीजिएगा जी अब इनकी बात का मैं क्या जवाब दूं जी इसी तरह की पेशोपस समूहों को तब आई थी जी जब अटल जी ने भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई थी जी सड़कें कितनी जरूरी हैं जी ये देश को समझ में अब तक नहीं आया हम लोग को तो आ गया शायद तारिक साहब को नहीं आया जी जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी जी उतने ही अच्छे तरीके से वहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जी वहाँ नए नए कल कारखाने लगेंगे जी और वहाँ के लोगों का विकास होगा बिल्कुल तो जोड़ने का काम तो पहले होना चाहिए बिल्कुल लेकिन अब इनका ये कहना नहीं साहब पहले ऐसी विजन बनाओ जोड़ना बाद में तो अब इस बात का तो कोई जवाब दिया नहीं जा सकता जी सरकार SCR ले आ रही है NCR की तर्ज पे अगल बगल के इस इन जिलों को एक एरिया वाइज बना जी, करके जी, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है ऐसे में इस तरह का विरोध बेबुनियाद है और जो बात हमारे तकी साहब कह रहे हैं जी मुझे इस उन बातों में कोई सारगर्भिता नज़र नहीं आती जी डेवलपमेंट हो रहा है विकास का हर स्थिति में स्वागत करना चाहिए और ये विकास ऐसा है जिससे उत्तर प्रदेश की राजधानी के अगल बगल के इलाकों की तस्वीर बदल जाएगी जैसे कि अभी सत्यजीत जी ने कहा जी। कि अगर इसमें वहाँ के लोगों को भी विकास की जो पिछड़े ज़िले हैं उनको अगर विकास की झलक मिलती है तो इसमें किसी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए और ये होना भी नहीं चाहिए ये इसका सबको स्वागत करना चाहिए हाँ अब रही बात रिवर फ्रंट की बात ये बात वो बात देखिए हिंदुस्तान में नदियाँ किस तरह से वर्क करती हैं और विदेश की नदियाँ किस तरह से वर्क करती हैं सब तमाम चीज़ें हैं उस पर कभी अलग से चर्चा हो जाए जी रिवर फ्रंट कैसे बनना चाहिए उसका क्या बेस होना चाहिए ये सब तमाम चर्चा के विषय हैं और उसमें जो लोगों ने गलत किया था उनकी गिरफ्तारी भी हुई कर्मचारियों की जाँच अभी चल रही है तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी तरफ से आंख मूंद रखा है सरकार की निगाहें हर तरफ हैं और जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कोई शहर गौरव जी एक दिन में स्मार्ट नहीं बनता बिल्कुल आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी में अभी भी सीवर का काम जारी है बड़े बड़े सीवर लखनऊ के चारों तरफ सालों काम होता है डाले जा रहे हैं सालों काम होता है ठीक तो ये सब चीज़ें काम चल रही विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है आप किसी डेडलाइन के दिन आप ये कहिए कि साहब आज तो बन गया होगा आपका ये शहर स्मार्ट तो ये नहीं हो सकता विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये चलती रहेगी और उसके साथ हमको आपको भी उस विकास के साथ तालमेल बना कर समर्थन देना चाहिए अभी मैं तारिक साहब से ही कह रहा हूँ तारिक साहब जब अखिलेश यादव जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था लखनऊ मेट्रो का तो बहुत सी दिक्कतें लोगों को आई तमाम जगह ट्रैफिक रोके गए तमाम जगह जी बिल्कुल बैरिकेडिंग लगी लेकिन लोगों ने उससे तालमेल बिठाया जी आगे चल के मेट्रो चालू हुई और ठीक है उसमें उस मात्रा में अपेक्षा के हिसाब से सवारियां नहीं उसको यूज कर रही हैं लेकिन मेट्रो लखनऊ में आई जी और अब कानपुर में भी आ रही है जी
ये सब तमाम योजना चल रही, उससे आगे बढ़ करके बनारस में रोपवे की योजना आ रही है, तो इस तरह रोपवे की योजना आ रही बनारस में, तो ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें आती रहेंगी और देश में परिवर्तन और विकास आपको दिखता रहेगा, इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध उचित। ताकि भाई कुछ कहना चाहते हैं, देखिए मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि मैं इस विकास के विरुद्ध नहीं हूँ जी, लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं वो धरातल पे दिखनी भी चाहिए। आपने कहा हम उत्तर प्रदेश को 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त बना देंगे, योगी जी की दूसरी सरकार पारी आ गई, 6 साल हो गए, क्या लखनऊ गड्ढा मुक्त हुआ? तारीफ बात लेता हूँ आपकी जी, क्या लखनऊ में गड्ढे भर गए? गड्ढा मुक्त योजना जो है योगी जी की गड्ढों में चली गई जी। आप KGMC से लेके कैसर आबाद ले आइए, आप कचहरी का चक्कर लगा लिए, हजरतगंज जो सबसे बिजी एरिया उसमें चले आइए, आपको अनगदिन गड्ढे मिलेंगे, आप काउंट नहीं कर पाएंगे जी। और उसी पे डामर पाटा जाता है, बारिश होती सब भर जाता है। तो जो आप बात कह रहे हैं, आपने पूरा शरस पूरा शहर खोद कर दिया कि जल जीवन मिशन सबको पानी मिलेगा, सबको पानी मिलेगा। क्या पुराने लखनऊ में लोगों को पानी मिल रहा है? टैंकर से पानी सप्लाई हुआ, कई बार अभी भी होता है पानी की बात, राइट रही, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, जल्दी बात कीजिए। तो जो आप कह रहे हैं और जो आप कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। आपकी सारी परियोजनाएं इश्तेहारों में चमकीले पन्नों में छपती हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, लेकिन धरातल पे वो सब शून्य हो जाता है। अच्छा। बिजली नहीं आती, 24 घंटे का बिजली आती है, लखनऊ में कितनी बार बिजली आती जाती है आप गिन नहीं पाएंगे। आप पहले ये था, पहले अखिलेश जी के टाइम पे विकास ये होता है, पहले अखिलेश जी कहीं पत्रकारों को स्पेशल बिजली तो नहीं दी जा रही है? बिल्कुल हमारे बिजली आ रही है, सुन लिए तारीख बिजली आती है भाई, तारीख भाई सुनिए, अखिलेश तारीख भाई सुनिए, स्पेशल बिजली नहीं दी जा रही है बिजली, तारीख भाई सुनिए, अखिलेश जी के टाइम पे 5 बार बिजली जाती थी जी, भाजपा के टाइम पे 10 बार बिजली आती है, 12 बार बिजली आती है, ये विकास है। कितनी बार बिजली आ रही है? पहले 5 बार बिजली आती है, 12 बार आ रही है। तो KGMC के अंदर बिजली नहीं आती, KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है, जो वहाँ पे ICU इमरजेंसी है, जो वार्ड से वहां पे मैंने कई बार देखा है, बेचारे मरीज लेटे, वहां बिजली नहीं आ रही। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास के पास जो ऑफिस है वहां बिजली नहीं आ रही, जनरेटर चलने लगता था, आप आइए मैं दिखाऊंगा आपको, रोज की कहानी है ये। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं अच्छी बात, मैं आपकी बातों का कदर करता हूँ, आप अच्छी बातें कह लेते हैं, इसका आपको ज्ञान है, लेकिन हो नहीं पाता। दिलीप भाई जल्दी बात करिए, तारिक भाई की बात लेते हैं, कह रहे हो नहीं पाता है, बातें करते हैं केवल। देखिए काम सब हो रहा है और काम होता लोगों को दिख भी रहा है जी। अब विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता तो ये उनके चश्मे के नंबर का दोष है। अच्छा, सीवर पूरे लखनऊ में काम जारी है और आपने देखा होगा बड़े बड़े पाइप डाले जा रहे हैं जी, जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक करके रास्ते डाइवर्ट करके काम जारी है, युद्ध स्तर पे जारी है, जगह जगह गैस की पाइपें पड़ रही हैं, शहर कैसे स्मार्ट होगा? इन्हीं सब चीज़ों से शहर स्मार्ट सिटी बनता है। गैस की पाइपलाइन आप देखिए, इधर आसियाना से लेकर के उधर सुदूर बिजनौर तक पाइपें पड़ रही हैं और कितने इलाकों में ये काम कम्प्लीट हो चुका है। गोमती नगर जैसे तमाम इलाकों में, इंदिरा नगर में आज सिलेंडर की आवश्यकता खत्म हो चुकी है, वहाँ गैस से काम सीधे पाइपलाइन घरों तक पहुँच चुकी है। ये सब तमाम काम है जो विपक्ष को देखना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष इन कामों को देखने के बजाय केवल सरकार की क्रिटिसाइज में लगा रहता है। आप देखिए उसमें अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप उसका विचार लेके आए, हम उसमें भी काम करेंगे, लेकिन ये विपक्ष नहीं करेगा। विपक्ष सीधे सिरे से ही योजना का विरोध शुरू कर देता है। देखिए विकास दो तरह का होता है, एक तो विकास टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, विकास होगा, अब मोबाइल फोन के मॉडल चेंज होंगे, आप कहें भाई ये भी विकास है, ये विकास थोड़ी ना, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। अब गैस सिलेंडर से आती थी, अब आपको अगर भारत को विकसित देश बनना है तो गैस पाइपलाइन से आएगी, अगर भारत को विकसित देश बनना है तो बिजली अंडरग्राउंड होगी। ये विकास तो WHO ने कहा, ये विकास तो होना है देश के अंदर है, लेकिन इसमें कितनी तेजी आई और कितनी व्यवस्थित तरीके से, नाले वाला भी ऐड कर दीजिए, नाले से जो बनेगी, नाले देखिए सारे नाले इन्होंने गोमती में जा रहे हैं आज की डेट में, गोमती नदी का क्या हाल है, पोल्यूशन कितना, बिजली बनाने की बात कर रहे हैं भाई, वो आप बिजली बनाने की बात नाले कर रहे हैं, नाले से गैस, नाले से गैस बनेगी जी, गैस बनेगी नाले से वो तो हमने देख लिया भाई। भाई अगर मैं बात करूं तो नाले की बात तो मैं नहीं कहूंगा, पर एक समय बताऊं आपको, 1990 की दशक की बात बताऊं कि गोबर गैस प्लांट हमारे देश में चल रहे थे, गोबर से लगातार गैस मिलती थी और पाइप के लाइन के माध्यम से ही सब लोग, और ग्रामीण इलाकों में ये प्रोजेक्ट था, बड़ा लंबा चला, वो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि गोबर गैस के प्लांट लगे हुए हैं। खैर गैस की व्यवस्था है पुरानी चली आ रही है और गोबर से गैस बना सकते हो, आने वाले समय में तमाम उपयोग कर सकते हैं। फिर तारिक भाई अपनी बात रखिए आप। गौरव जी देखिए चाइना मैं कह रहा था जी, गौरव भाई की देखिए
अभी श्रीवास्तव जी ने कहा बहुत वरिष्ठ है, बहुत सी सरकारें देखी होंगी, देखिए डेवलपमेंट का क्रमांक नहीं लगाया जा सकता। अच्छा। वो कह रहे हैं पहले ये आ जाए पहले, और दूसरी बार में वो आ जाए, पहले एससीजेड आ जाए, पहले कुछ भी आ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पहले कुछ भी आ जाए। लेकिन इतना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, एससीजेड क्यों नहीं बना? आपको पता है अडानी यहाँ 25,000 करोड़ का कमिटमेंट करके गए, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 65,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को पैसा दे दिया, लगा दिया वहां पर। मैं पूरा पेपर लेके आऊंगा, दिखाऊंगा आपको क्या है। अरे भाई एसीजेड है ही नहीं यहाँ, 30 एसीजेड है जी वहां, कर्नाटक और केरला, मध्य प्रदेश, यहाँ हजारों की संख्या में है एसीजेड। एसीजेड क्या करता है? दुनिया भर की फैसिलिटी देता है, पानी नहीं का पैसा नहीं लेंगे, बिजली इतनी परसेंट फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इंपोर्ट करोगे तो इतना बेनिफिट देंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। तो आपने लखनऊ को बना देते, अखिलेश साहब ने आईटी हब बनाने की बात कही थी लखनऊ को, आईटी पार्क बनाने की बात कही थी जी। आप उसी पहल पे चल जाते, अपना क्रेडिट दे लीजिए, अखिलेश साहब को कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपकी सरकार है। मैं ये बात कह रहा हूं कि दोनों साथ में चलाइए ना, आप डेवलपमेंट की बात हो नहीं रही है, आप एनसीआर बनाए दे रहे हो, जब इंडस्ट्री आएगी तभी तो डेवलपमेंट होगा गौरव भाई जी। बिल्कुल, कि ये आईएएस अधिकारी, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी लोग डेवलपमेंट करेंगे गोमती नगर में, बताइए मुझको जी, जवाब लेते हैं क्या ये लोग रिटायर होने के बाद इंडस्ट्री लगाएंगे मिर्जा टेनर की तरह जाकर जी कानपुर या उन्नाव में जी, कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे? ये तो पैसा रख लेते हैं फिर धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी डीलर्स को दिया करते हैं, ये उनका पैटर्न है। मैं कह रहा हूँ बड़े जो उद्योगपति हैं उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कर रहे हो जी, लेकिन जो ये तरीका है, बेहतर तरीका है, उसको नहीं अपना रहे हो। अब बता दिया एक नया कॉन्सेप्ट कि स्टेट कैपिटल कौन से स्टेट में है गौरव भाई? मेरी जानकारी में नहीं है, बता दे मुझे गौरव भाई कहां पर बना हुआ है? क्या चंडीगढ़ में बना है जी? नहीं, वहां भी तो इस तरीके का है मामला जी, जी। है वहां स्टेट कैपिटल रीजन है वहां पे जी? नहीं है। अरे भाई जरूरत क्या है, सब तुम्हारा ही है वहां, जरूरत इसलिए है कि 3-4 स्टेट है जी, इस बात पे चर्चा कराइए ना कि वहां जरूरत इसलिए है कि कई स्टेट है जी। अब राजस्थान कुछ और कह रहा है, हरियाणा कुछ और कह रहा है, उत्तर प्रदेश कुछ और कह रहा है, और नेशनल कैपिटल का मामला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, लोगों को बसाना भी है, क्षेत्र भी बड़ा करना है, दुनिया भर की इंडस्ट्री लानी है, एयरपोर्ट बनाना, ये बनाना, इसलिए जरूरत है। यहाँ तो सारा ज्यूरिडिक्शन आपका है, कौन प्रधान मना कर देगा कि ये काम नहीं करोगे जी? बिल्कुल नहीं करने देंगे। कौन महापौर आपको मना कर देगा कानपुर का, या नगर पालिका अध्यक्ष बाराबंकी का मना कर देगा, या जिला पंचायत अध्यक्ष कोई ऑब्जेक्शन करेगा? किसी की हैसियत ही नहीं होती सरकार के आगे। आप जो चाहे कर सकते हैं जी, लेकिन 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 आप ऐसा गुब्बारा फुला के कुछ सनसनीखेज बार बार दिखाने की कोशिश करते हो। मैं वही कह रहा हूं, डेवलपमेंट करो तब सनसनीखेज बना के क्रेडिट लो जी। पहले ही दे दिया, एक खर्रा निकाल दिया कि आप बनाइए स्टेट कैपिटल रीजन होगा। अरे समझिए स्टेट कैपिटल रीजन की जरूरत क्या है गौरव भाई, जरूरत को जस्टिफाई कराइए। नेशनल कैप और हिंदुस्तान में जितने स्टेट हैं वहां इस तर्ज पे क्यों नहीं काम हुआ? क्यों बैंगलोर ने इस तर्ज पे काम नहीं किया, बताइए मुझको? जवाब लेते हैं भाई, जवाब। क्यों हैदराबाद ने काम नहीं किया जी? वो बड़ी सिटी नहीं है जी? दुनिया में आईटी के नाम, आईटी का जब नाम आता है तो बैंगलोर और हैदराबाद का नाम लिया जाता जी, बिल्कुल। वो ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लेके आए? चंडीगढ़ एक बहुत बड़ा प्लांट सिटी है जी, मुझे जानकारी नहीं, अगर लेके आए हैं तो ऑन रिकॉर्ड बता दें। तारिक जी की इन तमाम बातों का उत्तर सत्यजीत जी के बातों में था, लेकिन तारिक जी ने उनकी बात को ध्यान से सुना नहीं जी। जितनी बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है जी, और इस एससीआर के एरिया में जितनी बड़ी आबादी आएगी जी, उतनी बड़ी आबादी ना बंगलौर की है जी, ना उतनी बड़ी आबादी आपके किसी स्टेट की कैपिटल की है। अरे श्रीवास्तव जी, उसका डेवलपमेंट से नाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से नाता है। बात सुन तो लीजिए, संडीले में बबलिंग स्कार्ट की फैक्ट्री लगी, अमेठी में AK-47 की फैक्ट्री लगी, लखनऊ से ही आपकी इधर से डिफेंस कॉरिडोर गुजर रहा है जी। ये सब आपको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये जो इंडस्ट्रियां यहाँ लगेंगी डिफेंस कॉरिडोर के आसपास, ये क्या होगा? संडीले में बबलिंग स्कार्ट का प्रोडक्शन चालू है, हमारे मित्र कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अभी आपके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह के गए हैं इस पर कि कोई फैक्ट्री नहीं रहेगी लखनऊ के इर्द गिर्द। तो अगर इस तरह के बेबुनियाद बयान लोग देंगे तो इसका कोई क्या जवाब देगा गौरव जी?
और अगर इन इंडस्ट्रियों को कोलैबोरेट करने के लिए एक एरिया वाइज डेवलपमेंट किया जा रहा, सरकार एक समग्र विकास की चिंता कर रही है, तो इसमें कह रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा हुआ हो तो बताइए। अरे कहीं हुआ नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश में होगा? तो ये अगर हम पहल कर रहे हैं तो क्या पाप कर रहे हैं? पहल का स्वागत होना चाहिए, तो आप विरोध कर रहे हैं, कह रहे आप कहाँ हुआ बताइए। उत्तर प्रदेश से जैसे आबादी किसी चर्चा का फर्क, उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी क्या देश में और कहीं निवास करती है? जी बिल्कुल। जो जनसंख्या गलत उत्तर प्रदेश का है वो देश की किसी और राजधानी का है क्या? जी गौरव जी एक मिनट जी, चर्चा और विरोध में फर्क है। भाई ठीक है, हमने प्रस्ताव मांगा अभी एससीआर में, आपका कोई प्रस्ताव तो आप भी दे दीजिए, कौन आपको रोक रहा है? नहीं यही तो बात मैं भी कह रहा श्रीवास्तव जी, उस पर चर्चा करिए हर चीज में। तो मुख्यमंत्री जी ने एससीआर के लिए प्रस्ताव मांगे, प्रस्ताव अगर आप विपक्ष के पास अच्छा प्रस्ताव, विपक्ष में प्रस्ताव कौन रोक रहा है? बताते इनको कायदे से भाजपा को जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ हर चीज में एक एंगल निकालना जरूरी नहीं है गौरव भाई, इस पे चर्चा करें, अगर रिक्वायरमेंट है तो लेके आए जी। मेट्रो की रिक्वायरमेंट महसूस की समाजवादी पार्टी ने, लेके आए आईटी सिटी की जरूरत महसूस की, लेके आए उसका स्वागत है, लेकिन मेट्रो ही विकास का अंतिम पायदान नहीं है। मेट्रो के आगे भी दुनिया जाएगी, रोपवे आ रहा बनारस में, दुनिया इसके आगे भी जाएगी। मेट्रो कोई विकास का अंतिम पायदान नहीं कि समाजवादी पार्टी मेट्रो पे अटक जाए, पहले मेट्रो बनाओ उसके बाद कोई काम करना, कोई मानक ये कोई विषय नहीं है। देखिए विकास विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आपके पास कोई अच्छा प्रस्ताव है तारिक जी तो आप भी दे दीजिए, विपक्ष भी दे दे। बिल्कुल, अभी तो प्रस्ताव बांटे गए हैं जी कि आप ये एक प्रस्ताव है कि एससीआर बनाने की योजना पे सरकार काम करने जा रही, सबसे प्रस्ताव मांगी है, आप भी दे दीजिए प्रस्ताव, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है, आपने प्रस्ताव ही मांगा अभी। और ये गौरव भाई एक दावा और करता हूँ, ये नहीं हो पाएगा, आप सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा हाँ, नहीं हो पाएगा ये, इस तरीके का आइडिया चलेगा ही नहीं। फिलहाल अधिकारियों निर्देश जैसे दिए गए हैं, वो निर्देश दिए गए, वो रिपोर्ट तैयार होगी, वो फिर वो बस्ते में चली जाएगी। मुझे लगता है ऐसा, खुदाई दावा ज्यादा करता नहीं हूँ मैं, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि नेशनल कैपिटल का मामला अलग है, डिफरेंट स्टेट है इंदौर में, वहां पर यहाँ सब आप ही का है, कुछ करने की जरूरत नहीं। जी अपनी बात पूरी करिए तकी भाई, फिर खत्म करता हूँ। भाई आज की खबर है, आपने पढ़ा होगा जल्दी बात करिए, कि बाराबंकी के पास एक बस खड़ी थी जो मजदूरों को लेके जा रही थी, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारा, उसमें कई तीन चार जो मजदूर थे बेचारे उनकी जान चली गई, और उसके अंदर 250 मजदूर थे जो गोवा जा रहे थे काम करने के लिए। और आपने देखा था कोविड के दौरान किस तरह से मजदूर जो हैं और सारे गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से और स्टेट से उत्तर प्रदेश वापस आए थे, जब योगी जी ने कहा था कि हम सारे मजदूरों के स्किल को यूज करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को, निवासियों को बाहर जाके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में विकास होगा, यहाँ नौकरी मिलेगी। अब ये बताइए गोवा ये एक मजदूर क्यों जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में? इसका मतलब है कि योगी जी ने जो इन्वेस्टमेंट सबमिट करी थी जिसमें कहा था करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ लोग यहाँ स्किल यूज किया जाएगा, वो दावा फेल हो गया जी। अब तो भाई तकिया वो तो व्यवस्था है देश की, हमारे प्रदेश के लोगों को हम अपने प्रदेश के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो तो व्यवस्था है। और दूसरी बात है, कोई भी शहर बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा करना पड़ता है, उसको बसाने लोगों को बसाना पड़ता है भाई, वो तो व्यवस्था है देश की, लोग अलग अलग नौकरी करने आते हैं। साहब की बात का जवाब दे दो, अभी इन्होंने बस में दो राज्यों में जा रहे हैं, इन्होंने क्यों जा रहे हैं, दूसरे दिल्ली में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, अभी इन्होंने बस में 250 की संख्या बता दी, हाँ निकाल देख लीजिएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा कि जरा सा 250 लोगों को बस में बैठा के तकी साहब दिखा दे, जब लोग ऊपर निकले बैठ जाते हैं तो शिकासी बस। दूसरी चीज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस कालखंड में आह्वान किया था, जिस तरह से हमारे लोग महाराष्ट्र से भगाए गए, दिल्ली से भगाए गए, सबसे बड़ा पलायन दिल्ली से सबसे पहले नहीं गए थे निरूप जी, आप लोगों ने अधिकारी सूचना जारी की थी कि हमने बसों का इंतजाम आनंद विहार पे, जो लोग जाना जिस तरह से 5 लाख लोगों को भोजन करा रहे थे केजरीवाल जी, और पलायन रुक जाइए, और पलायन के लिए सबको उकसाया गया, पलायन के लिए आनंद विहार पे जिस तरह से भीड़ उभरी थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से हमारे लोगों को दिल्ली से, महाराष्ट्र से और तमाम प्रदेशों से
पलायन के लिए मजबूर किया गया, उस स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी आगे आए थे, उन्होंने कहा था कि जो स्किल है, जो स्किल है, जो स्किल उस स्किल से रिलेटेड हम उनको काम मुहैया कराएंगे। हमारे यहाँ उद्योग विभाग ने इसका खासा प्रबंध किया, लेकिन अब अगर स्थितियां सामान्य हो रही, लोग अपने पुराने रोजगार की तरफ लौट रहे हैं, उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था बना रखी है कि उनकी भी एक आईडी बनेगी, उसके हिसाब से वो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के बाद जी। तो वो अगर प्रक्रिया फॉलो करते लोग जा रहे हैं तो उसमें जाने देने में कोई बुराई नहीं है। भाई जिस जगह घटना का आपने हवाला दिया है बाराबंकी, जहाँ बॉर्डर की बात है, वहाँ की स्थिति है कि वहाँ हमेशा जाम का माहौल रहता है। एक ही रोड है जो पूरे पूर्वांचल को कनेक्ट करती है बाराबंकी, आप जब सफेदाबाद से लेकर के बीबीडी से लेकर चिन्हट तक, ठीक है, जितना समय आप रुक जाइए, उससे ज्यादा समय आपको लग जाएगा। अगर ये सड़क और चौड़ी होगी या एक दो रोड और एनसीआर की तरफ पे, लखनऊ बाराबंकी कहां गोवा, एनसीआर अगर एनसीआर की तरफ पे यहाँ और सारे रोडे बनेंगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, फायदा मिलेगा और इस विकास का सबको स्वागत। सबसे बड़ी बात तकी भाई यहाँ पे ये भी है ना कि हमारे देश में लोग अलग अलग राज्यों से काम करने आते रहते हैं। अगर दिल्ली की हम बात करें या महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से ही वहां की फैक्ट्री है, चलती भी है। तो यहाँ पर हमारे देश की व्यवस्था ऐसी है कि लोग अलग अलग राज्यों में नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पर निवासी भी हो जाते हैं और सरकारी विभागों या प्राइवेट विभागों जिन जो सिलसिला है नौकरी का काम का ये चलता रहता है। बड़ा देश है, बड़ी व्यवस्था है और जहाँ पर बेरोजगारी होती है, क्योंकि बेरोजगारी की व्यवस्था हमेशा सबको सरकारी मुहैया नहीं हो सकती है और यहाँ पर अपना शहर अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, चाहता उसको नहीं, बिल्कुल यहाँ पर पैसे मिले, व्यवस्था उसी के विकास की बात हो रही है यहाँ पर तकी भाई, और आने वाले समय में जी गाँव मिले जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा जुड़ने के लिए। तो एनसीआर का मतलब यानी स्टेट कैपिटल रीजन, एनसीआर की तर्ज पर यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार लाने वाली है जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ से संबंधित जो लगभग 6 जिले हैं वहाँ पर विकास की ऐसी पटकथा लिखी जाएगी जिससे आने वाले समय में एक स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बेहतर होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर एनसीआर की तर्ज पर काम करने की, तो निश्चित रूप से एनसीआर भी उसी व्यवस्था के साथ उसी तर्ज के साथ काम करेगा, पर यहाँ पर जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बार है और विरोध जता रहा है तो एक बार स्पष्ट होती कहीं ना कहीं ये यहाँ पर प्रस्ताव देना, समर्थन और विरोध करना अलग बात है, पर यहाँ पर काम अगर जनता के लिए हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दर्द नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम सरकार को जगाना भी है और विपक्ष का काम ये भी है कि सरकार अगर बेहतर काम कर रही है उसका समर्थन भी करना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर से और केवल सरकार को कटघरे में खड़े करना ये केवल विपक्ष की भूमिका नहीं होती है। और आने वाले समय में एनसीआर किस तरह बनेगा और किस तरह काम करेगा वक्त बताएगा, पर एक बात साफ है कि जैसे जैसे योगी सरकार अपना दूसरा कार्यकाल शुरुआत कर चुकी है उसी तरह आगे भी बढ़ती जाएगी। आगे चर्चा में नहीं, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।